नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। आरएसएस से जुड़ा मामला अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। हालांकि इस बीच पुलिस मुख्यालय ने अपना बयान भी जारी किया और तमाम बातें बताई किस तरीके से क्या कुछ रहा। खुफिया विभाग के तहत ये जानकारी दी गई थी कि आरएसएस से जुड़े नेताओं को खतरा है, जिसको लेकर उनकी कुंडली खंगालने के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े उनकी 19 इकाइयों के जो इतिहास है या फिर जो कुंडली है उसको खंगालने के आदेश जारी किए गए थे बिहार में। इसके बाद आपको बता दें, यह सवाल जब राजद के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आरएसएस एक प्रतिबंधित संस्था है और इस पर कई बार प्रतिबंध भारत में लग चुका है और इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दौरान बिहार विधानमंडल में अगर आज के दिन राजद के नेताओं से यह सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहा राजद के नेता ने, पहले जरा वो सुन लीजिए। तो ये तो सब उन लोगों से पूछा जाने वाला सवाल है ना, जिनको तोड़ना है, जिसको टूटना है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल क्या बोल रहा है? आरएसएस एक ऐसा संगठन है, विवादित संगठन रहा है। मैं यह कोई विवादित बयान नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएसएस विवादित संगठन रहा है। इस पर कई बार देश में प्रतिबंध लग चुके हैं। तो प्रतिबंध किन पर लगता है? तो जिस पर लगता है, जब ऐसी स्थिति है, एक बार जब डाउटफुल जब हो जाता है केस, तो उस पर नज़र रहती है खुफिया और निगरानी की। यदि ऐसा हो भी गया तो क्या जुल्म हो गया जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है? गिरिराज बाबू जो कुछ भी बोलते हैं इस देश में, सेंसिटाइज करने के लिए बोलते हैं। और मैं नहीं जानता, मैं बहुत विस्तार से नहीं जानता, लेकिन मेरा यह ओपिनियन है कि यदि कोई भी संस्था यदि संदिग्ध हो तो उस पर जाँच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार आरएसएस पर जांच का जो पत्र जारी करते हैं या ऐसा बातें चल रही हैं, तो क्या लगता है मुसलमानों को रिझाने की कोशिश उनको साथ? जैसे मैं उसकी राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। यह किसी को रिझाने बुझाने की जरूरत मैं नहीं समझता कि जरूरत है अभी कोई ऐसा। लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि यदि बिहार में पिछले दिनों में कुछ वारदातें हुई, कुछ दंगे हुए, तमाम तरह की चीज़ें हुई, तो इसमें यदि कहीं कोई संदिग्ध है कोई संस्था, तो उस पर जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। बीजेपी के नेताओं ने, जब ये चिट्ठी प्रकरण हुआ आरएसएस का, तो बीजेपी के नेताओं ने इस पर ज़बरदस्त विरोध जताया, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने इस पर उस तरह से अपनी बात नहीं रखी। तो क्या दिखलाने के लिए ज़बरदस्त विरोध? ये दिखलाने ही के लिए ना है। विरोध करना है तो फिर साथ में क्यों सरकार चला रहे हैं? संजय मयूख ने सदन में अपनी बात रखी और उनका जवाब किसी ने नहीं दिया, किसी सत्ता पक्ष के नेता ने। उनको बताना चाहिए क्यों नहीं दिया और क्या पूछा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मतलब देश और राज्य की सुरक्षा और जन सुरक्षा, इन तमाम संदर्भ में कोई भी दोषी हो, कोई भी संस्था दोषी हो, व्यक्ति दोषी हो, तो उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।